रब्बिल आलमीन अला अम्मा बाद अलहमदिल्लाबी वसलासम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहमदिल्ला आज दस रमज़ान मुबारक हमारे सरों पर फाय सिकर ने और अपनी रहमतें और बरकतें लुटा रहा है बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ और मशक़ात शरीफ की हदीस है हज़रत अबू हुरैर रजी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह रसूल सल तल वसम ने इरशाद फ़रमाया ए इबन आदम इबन आदम का अमल बढ़ाया दिया जाता है एक न कि दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक अल्लाह तबारक तारा ने फरमाया मगर रोज़ेदार इसका सवाब बेशुमार है बेशक वो मेरे लिए है और मैं इसकी जजा खुद दूंगा रोज़ेदार अपनी ख्वाहिशों और खाने पीने के लिए छोड़ता है रोज़ेदार के लिए दो हैं एक खुशी अफतारी के वक्त और एक खुशी अल्लाह ताली के दीदार के वक्त और रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह तबारक नज़दीक कस्तूरी से ज़्यादा पसंदीदा है और रोज़ा ढाल है हर अमल का बदला खलूस नीयत के मुताबिक दिया जाता है एक नेकी के बदले कम अज़ कम दस फीसद दिया जाता है एक नेकी पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब सात सौ गुना बढ़ा दिया जाता है मगर रोजे का सवाब अल्लाह ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद हूँ और वो मैं खुद दूँगा उसके बाद रमज़ान मुबारक में सफारिश भी होती है क़यामत के दिन रमज़ान मुबारक अच्छी सूरत में सामने आएगा और रब्बुल आलमीन में सजदा करेगा तो अल्लाह को ताल शाद फरमाएगा तो रमज़ान मैशर के मैदान में चक्कर लगाएगा और जिसने रमज़ान का हक पहचाना रोज़ा रखा उसे पकड़ लेगा और अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा हो जाएगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ए रमज़ान बता तू क्या चाहता है तो वो कहेगा मैं इरादा करता हूँ कि इस रोज़ेदार को इज्जत वकार का ताज पहनाया जाए तो अल्लाह तबारक व करम से एक हज़ार ताज इनायत फरमाते हुए सत्तर हजार गुना मुआफ़ फरमाएगा और एक हज़ार हुन अता फरमाएगा हर हूर के हमरा सत्तर हज़ार खादमी होंगे फिर बुर्राक पर सवार होगा तो अल्लाह तबारक वार्त फरमाएगा अब क्या चाहता है एह रमज़ान तो वह अर्ज़ करेगा इस रोज़े को अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में उतार दे तो अल्लाह ताला उसे जल्द फरदूस में उतार देगा तो अल्लाह रब्बुल रब्ज़त फरमाएगा एह रमज़ान अब पता अब तू क्या चाहता है तो वो रमज़ान अर्ज़ करेगा अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त फरमाएगा तूने मेरी हाजत तो पूरी कर दी है मगर तेरी करामत कहाँ है तो अल्लाह ताला एक सौ सुर्ख़ याकूत के शहर अता फ़रमाएगा जिस पर जबरजद का नक्श नगार होगा और हर शहर में एक हज़ार महल होंगे और इन महलों में रोज़ेदार ठहरेंगे और हुजूर सैदल आलमीन वसल्लम ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है जिसने रमज़ान का रोज़ा ईमान और एहत से रखा उसके अगले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे एक शख्स ऐसा था जो नमाज नहीं पढ़ता था अलबत्त जब रमज़ान आता तो खूब तैयारी करता अच्छा लिबास पहनता रोज़े रखता गुजश्त को कसा करता उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो उसने कहा यह तोबा और रहमत और बरकत वाला महीना है यकीन अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से मुआफ़ फरमाएगा फिर यह शख्स मर गया किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया तो कहने लगा गुफ़िर अली रबी बेहुरमती तज़ीम रमज़ान अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया रमज़ान की तज़ीम की वजह से और हजू नबी करीम रऊफ़रम वसल्लम ने रिशात फरमाया कि रोज़ा तुम अल्लाह तबारक वाली के आजाब से बचने की डाल है यानी जिस तरह तलवार का हमला डाल के जरिए बचाया जाता है इसी तरह बंदा रोज़े के जरिए आजाब इलाही से बच जाता है दुआ है अल्लाह तबारक वाली हमें रमज़ान वबारक की तज़ीम करने की तोफ़ी कता फ़रमाए बसरा शहर में मजूसी आतश परस का एक लड़का था जो मुसलमानों के बाजार में रमजान मुबारक में खाना खाता था यह देखकर उसके बाप ने उस लड़के के मुंह पर तमाचा मारा और सख्त नाराज हुआ लड़के का कहना लगा लड़के को कहने लगा कि अब्बा जी तुम भी रमजान में रोजा रोज़ाना खाना खाते हो बाप कहने लगा यकीन मैं रोज़ा नहीं रखता मगर घर में बैठ खाता हूँ किसी के सामने नहीं खाता लोगों के सामने नहीं आता मुसलमानों के रोजों के लिए बेहरमती होती है चुनाचा इस शख्स के मरने के बाद बुखारा के किसी नेक आदमी से ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है पूछा तू जन्नत में कैसे आ गया तू तो गुनागार तू तो रोज़े भी नहीं रखता था मजूसी था आतश परस्त था तो वो कहने लगा मैं मजूसी था मगर जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व ताल ने रमज़ान के एहतराम की बरकत से इस्लाम अता फरमाया और मैं मुसलमान होकर मरा और रमजान के एहतराम की वजह से अल्लाह तबारक व ताली ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया और जन्नत में अता फरमा दिया यह है रमज़ान के एहतराम की बरकत कि अल्लाह तबारक गुनाहों को भी बख्श देता है और नजा के वक्त इस्लाम भी कबूल हो जाता है और उसके बाद अल्लाह तबारक ताल कलमा भी नसीब फरमा देता है गुनाहों का कफ़ारा भी हो जाता है और जन्त में दाखला भी मिल जाता है दुआ है अल्लाह तबारक का वाली हमें रमज़ानबारक की ताज़ीम और रम़ानबारक का मुसलमानों के हिसाब से हमें उसको ज़्यादा अहमियत और फजीलत के साथ मनाने की तोफ़ीकता फ़रमाए वामा अलैना अल्लाबलामबी